नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर माह सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और कुछ बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर सभी 12 राशियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें सूर्य भी शामिल है। बता दें कि 16 जुलाई 2023 को सुबह 4:59 पर होने जा रहा है सूर्य गोचर, और 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य लगभग एक माह तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। इसके अलावा जन्म से चंद्रमा के 3, 6, 10, 11 घर में स्थिति होने पर ग्रह जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और सूर्य का मित्र है। ऐसे में सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से कई राशि के जातकों के जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कौन सी है वो राशियाँ। पहली है मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का कर्क राशि में गोचर मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बता दें कि मेष का स्वामी ग्रह मंगल है। ऐसे में इस राशि को इस दौरान अच्छी खबर मिल सकती है, पदोन्नति की संभावना है। इतना ही नहीं, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रगति भी मिलेगी। प्राइवेट नौकरी में भी उच्च पद की प्राप्ति होगी। पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने में समर्थ रहेंगे, अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इसके बाद है कर्क राशि। सूर्य में कर्क राशि का गोचर करना इस राशि को भी अनुकूल परिणाम देगा। इस अवधि में इन जातकों के लिए चीजें पहले से बेहतर होंगी। बता दें कि सूर्य आपकी राशि के दूसरे भाव के स्वामी हैं। सूर्य गोचर से इस राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी काबू में रहेंगी। विवाह में आने वाली परेशानियों से जल्द छुटकारा मिलेगा। व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में अवसर प्राप्त होगा। विवाहित जीवन में कड़वाहट कम होगी। इसके बाद तुला राशि। बता दें कि इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 11वें स्थान में स्वामी है। इसका प्रभाव व्यक्ति के करियर पर साफ दिखाई देता है। वेतन वृद्धि में भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सूर्य गोचर की राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ फलदायी रहने वाला है। इतना ही नहीं, ये जातक के आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी करता है। परिवार के साथ तुला राशि के जातकों के संबंधों में सुधार होगा, संघर्षों में निपटना होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।